नमस्ते बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको कारण तक शब्द चिन्ह बताए, अब मैं आपको इसके बाद वाले चिन्ह बताना चाहती हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बहुत ध्यान से शब्द चिन्हों का अभ्यास करें और आप लोग बराबर इसकी कम से कम 10-10 पेज आप इसका अभ्यास करें। जितना अच्छा आप लोग अभ्यास करेंगे उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अभ्यास से ही बच्चों प्रैक्टिस बनती है, स्पीड बनती है। तो आप लोग बराबर हमारे साथ क्लास ज्वाइन करते रहें, आप लोग हमारे साथ चिन्हों को बनाएं। पास पश्चात पेस आपस पास पश्चात पेस आपस। तो आप लोग ये ध्यान से देखो, पेस तक बाहर खराब बाहर खराब देर दूर धीरे दूर धीरे। अब इसकी चिन्ह आप लोग बनाएं, पा को दुगना कर दें, पेस्टर का ये चिन्ह हो गया बाहर खराब। रा का बना के एक छोटा सा डैश लगा दें, ये बाहर खराब लाइन के ऊपर है, ये देर है लाइन पर, और दूर और धीरे लाइन को काट कर है। इधर उधर किधर जिधर तो आप लोग इसके चिन्ह बनाए कैसे है, ये लाइन पर है, इधर उधर नीचे की ओर डैश लगा रहे, किधर जिधर जिधर। अब है लास्ट में एक और है तिधर। धर ये आप लोग बार बार बनाएंगे तब याद होंगे, ऐसा आप लोग सोचे कि एक बार में याद हो जाए, ऐसा नहीं है। इन चिन्हों को बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार याद करना होगा, तब ये चिन्ह याद होंगे। ये हम आपको अब रा का आंकड़ा बता रहे हैं, रा का आंकड़ा और इसमें ला का आंकड़ा है। तो आप लोग हमारे साथ सीखें ये रा का आंकड़ा, रा किस प्रकार से लिखा जाता है, बनाया जाता है। तो आप लोग बनाएं, पहले थोड़ी थ्योरी लिखें, जिस तरह सरल व्यंजन के सरल व्यंजन के अंत में बाई तरफ आंकड़ा बाई तरफ आंकड़ा लगाने से ना पढ़ा जाता है, ना का आंकड़ा पढ़ा जाता है। फुल स्टॉप। उसी तरह
उसी तरह व्यंजन के आरंभ में व्यंजन के आरंभ में आरंभ में बाई से बाई से दाहिने को घुमाव देकर घुमाव देकर जो आंकड़ा लगाया जाता है उससे नीचे की मात्रा पढ़ी जाती है। चक्र शब्द में रा लटकन धर्म में कृपा में कृपा में श्री की मात्रा श्रा की मात्रा लगी है। का वर्ग में यह आंकड़ा नीचे की ओर लगता है। या रा ऊपर वाला ला हुआ और हा के संकेतों में यह आंकड़ा नहीं लगता। नहीं लगाया जाता है बल्कि पूर्ण व्यंजन संकेत द्वारा लिखा जाता है। ला और रा रा नीचे वाला
यह है नहीं लगाया जाता बल्कि पूरा संकेत द्वारा लिखा जाता है लिखा जाता है। नियमानुसार नियमानुसार जो मात्रा इस रा आंकड़े में इस आंकड़े में लगे हुए व्यंजन के पहले पढ़ी जाती है पहले पढ़ी जाती है और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है वह पर व्यंजन के बाद न पड़ी जाकर रा आंकड़े के बाद पढ़ी जाती है क्योंकि व्यंजन और रा क्यों कि व्यंजन और रा आंकड़े आंकड़े के बीच कोई मात्रा नहीं होती है जैसे हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे, हम लगाएंगे कैसे रा का आंकड़ा। तो आप अगली क्लास में इसका आंकड़े का यूज देखना कि हम प्रयोग कैसे करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।